हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरिता। आप सबका सरितापुरी कुकिंग एट होम किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी क्रिस्पी नमकीन की रेसिपी। और आप देख सकते हैं ये कितना ही क्रिस्पी नमकीन बना है, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस क्रिस्पी नमकीन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, 1 कप पिसे हुए चावल का आटा, 1 कप बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच तेल। अभी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते हुए हम इसका एकदम से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है इस डो को बनाने के लिए। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। और ये देखिए, डो एकदम से तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे और एक बार फिर से अच्छे से गूंद लेंगे। हमने इसमें सूजी ऐड की थी इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक बार फिर से 1 से 2 मिनट गूंद लेंगे। हमारा बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। हम अब ये मोल्ड ले रहे हैं। इस मोल्ड को हम ऑयल से अच्छे से ब्रशिंग कर लेंगे। मैंने ये शेप ली है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। हमने जो डो का मिक्सचर तैयार किया है वो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। ऑयल को हमने पहले से ही अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इस तरह से हम इस सेवइयों को इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और कुछ देर फ्राई करने के बाद इसे धीरे से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। अभी हम इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे दूसरी शेप भी। और धीरे धीरे इसी तरह से गर्म ऑयल में हम डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी नमकीन्स कितनी इजीली मोल्ड से निकल रही है। हमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा क्योंकि ये जो डो तैयार किया है एकदम से सॉफ्ट है। अगर आप हार्ड डो तैयार करेंगे तो ये इजीली नहीं निकलेंगी। और सेम इसी तरह से हमने ये दोनों नमकीन्स को तैयार कर लिया है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।